मीठापुर से मोहली। जी हाँ, इस एलिवेटेड रोड का काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट को आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम जहाँ खड़े हैं इसी पॉइंट से ये एलिवेटेड रोड शुरू होगा और ये सामने जो घर दिख रहा है इस घर को तोड़ते हुए सीधा यह आगे बढ़ेगा और यहाँ से लेकर के पुनपुन तक मात्र 10 मिनट में आपकी यात्रा होगी। संभव नहीं लग रहा है ना, लेकिन आने वाले समय में संभव होगा। जहाँ हम खड़े हैं ये जो देखिए गया लाइन गुमटी का आरओबी है जो बन करके तैयार हो गया, चकाचक आरओबी जिस पर से लोग अब आने जाने लगे। नीचे वाला फाटक बंद हो गया है, अगर आप नीचे से ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आपको नीचे से यात्रा करने का मौका नहीं मिलेगा। चचा, कितना फायदा हुआ इसको बनने से? फायदा घाटा दोनों है। घाटा क्या हुआ पहले बताइए? उधर से शॉर्टकट था, इधर से ज्यादा है। अच्छा, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। फायदा क्या हुआ? फायदा तो है कि बस रेलवे का जमीन था वो अपना घेर लिया। लेकिन लोग इधर से जो है अब जो है नीचे सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और इस तरफ से उतर के उस तरफ जाते हैं और सीधा अब जो मीठापुर करीब आ गया। नीचे से देखिए ट्रेन जा रही है गया की तरफ, इधर में अगर कैमरा एक बार दिख जाए तो, और अभी देखा आपने तस्वीरों में कि उधर से ट्रेन आ रही थी। तो जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती थी घंटों का जाम होता था। अब सिपारा में रहते हैं, कितना लाभ होगा लोगों को? एलिवेटेड सड़क बनने से मानिए कि समय का हम लोग राजा हो जाएंगे। अगर एलिवेटेड बन जाएगा तो 10 मिनट में हम लोग यहाँ पुनपुन चले जाएंगे और 3 से 4 मिनट में हम लोग पटना जंक्शन आ जाएंगे। अभी जो स्थिति है सिपारा से अगर हमको पटना जंक्शन आना हो तो कम से कम 45 मिनट लगता है, क्योंकि जो सिपारा पुल के नीचे का जो जाम है बहुत बड़ा जाम है और जो इंडियावल डिपो है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो निकलती है इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और हम जैसे कामकाज लोगों के लिए तो मतलब एलिवेटेड एक बहुत बड़ा वरदान होगा। सरकार को इसके लिए शुक्रिया हम लोग करते हैं और आपका भी शुक्रिया करते हैं कि आप इसका अपडेट देते रहते हैं, जिससे हम लोग को लगता है कि आज न कल बन जाएगा और हम लोग इस मामले में समय के मामले में और सड़क के मामले में मतलब अमेरिका से कम नहीं होंगे जब अगर एलिवेटेड बन जाएगा। समझ लिए, गडकरी जी ने कहा था कि 2024 में जब सारे परियोजना पूरे हो जाएंगे तो बिहार अमेरिका जैसा दिखेगा। इस पूरे एलिवेटेड रोड में अड़चन सिर्फ यहाँ से लेकर के सिपारा तक का है। 2.1 किलोमीटर लंबा ये जो स्ट्रेच है इसको लगभग 400 करोड़ की लागत से बनना, जिसके लिए DPR बन रहा है। आपको बता दें कि यहाँ एक राउंड अबाउट बनना जहाँ खड़े हैं, अगर आपको इधर में देख लें तो इधर से लेकर के गाड़ियाँ आएगी और यहाँ पर एक चौराहा बन जाएगा। उस चौराहा से फिर ये वाला स्टेज कनेक्ट होगा और यहाँ से सीधा पुनपुन तक जाने के लिए रास्ता जुड़ जाएगा। तो समझ लीजिए लगभग 9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बन जाने से सीधा पटना से पुनपुन की दूरी मात्र 10 मिनट का हो जाएगा। और अभी जो है सिपारा से लेकर के पुनपुन तक का जो रोड है वो बड़ी रफ्तार में काम हो रहा है। लगभग 60% बता रहे हैं कि इसका काम पूरा हो गया है। 112 स्पैन है जिसमें से लगभग आधे स्पैन पर सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट कर लिया गया है। अभी हम चलेंगे उधर का अपडेट भी दिखाएंगे, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। अपडेट दे रहे हैं और मीडिया के कोई मित्र मिल जाए तो लगता है कि उनसे पूछ ही लिया जाए। मैडम, रोज दफ्तर जाना होता है, कितना आसान हुआ इस आरओबी को बनने से? बहुत लंबा इंतज़ार लगा और अब बन गया है तो बहुत खुशी होती है। जब मैं अपने ऑफिस जाती थी, काम से जाती थी तो एक लगता था कि जाम में फंस गए, पता नहीं टाइम से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इसके बनने से लगता है कि अब तो मैं हवा में उड़ के पहुंच जाती हूँ, बहुत जल्दी पहुंच जाती हूँ। इतना फ़ायदा हुआ। अब दूसरा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को बड़ा आराम देगा, यहाँ से लेकर के पुनपुन तक एलिवेटेड रोड बन रहा है, वो बनेगा तो सिपारा के लोगों को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि देखिए वहाँ पर इंडियन ऑयल का जो है बड़े बड़े ट्रक नीचे से निकलते हैं और उसका जो जाम है बहुत खतरनाक होता है। कई बार डर लगता है एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं खुद स्कूटी चलाती हूँ, मुझे कई बार लगता है कि ट्रक के बीच से कैसे निकलना है। अब एलिवेटेड रोड रहेगा तो अपना ऊपर ऊपर से हम निकल जाएंगे इजिली, तो थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह का जो एक डर है जो कई बार होता भी है उससे बचेंगे। मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड में ये सिपारा वाला वो जगह है जहाँ पर यहाँ से एक आरओबी बनेगा और उस तरफ में नीचे उतर जाएगा। यानी कि अगर आप गया की तरफ से चलते हुए आ रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ उतरने के लिए सुविधाएं मिलेंगी और जिसमें आरओबी के जरिए आप उस तरफ उतर जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ से आगे मीठापुर या कहीं से चढ़ना है इसके ऊपर तो आगे से जो NH 31 है, NH 31 पर जो आगे जा करके यू टर्न लेना होगा और फिर जा करके इस एलिवेटेड रोड पर आप चढ़ सकते हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ ये 7 नंबर पिलर है, ये अगर इस तरफ में कैमरा पैन हो तो दिखाई देगा आपको, ये 7 नंबर पिलर। यहाँ से आगे 6 पिलर और बने हैं और लगभग 112 स्पैन है इसमें, जिसमें से लगभग 60 स्पैन पर अभी सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया है। समझ लीजिए लगभग कहते हैं कि 65 से 70% काम हो गया है। इस तरफ में अगर कैमरा पैन हो तो एक सिद्ध में आप यहां से वहां पिलर को देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे आपको लेकर के यहां से लेकर के मोहली होल्ट तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर फाटक इधर में बंद हो रहा है। इस तरफ में अगर इधर में कैमरा है तो सामने देखिए फाटक बंद हो रहा है और जब इस तरह से फाटक यहाँ बंद होता है तो लंबी कतार लग जाती है गाड़ियों की। ऐसे में वहाँ तक दिखता है कतार लगा हुआ और घंटों गाड़ियाँ यहाँ फंसी रहती है। इस गर्मी में जब चिलचिलाती गर्मी में
40 डिग्री टेम्परेचर हो तो समझ लीजिए कि गाड़ियों को अगर एक घंटा यहाँ खड़ा रहना हुआ तो क्या हाल होता होगा। और हमारे पीछे जो एलिवेटेड रोड है इसका सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चर देख रहे हैं आप, जिसके जरिए कई पिलरों पर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले एक साल बाद इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी और पुनपुन से पटना महज 10 मिनट में तय हो सकेगा। आज के इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे सिपारा गुमटी से लेकर के यहाँ तक सारे पिलर बन करके तैयार हैं, सुपर स्ट्रक्चर का काम भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है और जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है लोगों की उत्सुकता बढ़ते जा रही है, क्योंकि ये एलिवेटेड रोड बनेगा तो ऊपर 4 लेन का रोड और नीचे भी 4 लेन का रोड, लगभग 8 लेन की कनेक्टिविटी पटना से पुनपुन को मिलने वाला है। 2 सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चर इस पर लगा हुआ है, एक यहाँ सामने पीला लॉन्चर है, इससे आगे एक और लॉन्चर लगा हुआ जिसके जरिए लॉन्चिंग का काम हो रहा है और अखबारों की अगर माने तो लगभग 70% के आसपास काम इसका हो गया है, क्योंकि मेन जो काम बेसिक काम होता है वो पिलर को बनाना होता है। अगर इस कॉरिडोर पर आप चलेंगे तो जहाँ तक सुपर स्ट्रक्चर लगा है वहाँ तक तो ऊपर रोड बना हुआ दिखेगा, लेकिन जहाँ तक स्ट्रक्चर नहीं बना है वहाँ तक आपको पूरा एक लाइन में पियर और पियर कैप दिखाई देगा, बिल्कुल जो साफ आप देख रहे हैं। इसी तरह से जहाँ से इसका लॉन्चर लगा यहाँ से लेकर के जहाँ तक कैमरा देख पा रहा वहाँ तक सुपर स्ट्रक्चर का काम कम्प्लीट हो गया है। वहीं 112 नंबर पिलर से भी एक लॉन्चर लॉन्चिंग करना शुरू किया जो लगभग आधे एरिया तक पहुंच गया, वहां तक अभी चलेंगे दिखाएंगे उसका काम कहां तक पहुंचा। लेकिन फिलहाल यहां देख लीजिए जो 70 नंबर के आसपास जो लॉन्चर शुरू हुआ था वो अब 35 तक पहुंच गया और आगे और 35 पिलर बचे हैं इसके लॉन्चिंग का काम कंप्लीट होने तक, तब यह जाकर के सिपारा से लेकर के मोहली तक का स्ट्रेच बन करके तैयार हो जाएगा। मीठापुर मोहली रोड में यहाँ पर लगा है दूसरा लॉन्चर, जी हाँ, पिलर नंबर 112 से लेकर के यहाँ 87 नंबर पिलर तक का लॉन्चिंग का काम कम्प्लीट हो गया। वहीं 70 से जो पिलर पर लॉन्चिंग का काम दूसरा लॉन्चर शुरू किया था वो अब 35 पर पहुंच गया है, लगभग माने तो आधे से ज़्यादा पिलर पर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो गया है। और अब जैसे ही इस पर सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होगा ऊपर ब्लैक टॉप हो जाने के बाद मास्टिक होगा, मास्टिक होने के बाद यह कॉरिडोर सिपारा से लेकर के राम गोविंद मोहली होल्ड तक बन करके तैयार हो जाए। अगर आप उधर से पुनपुन की तरफ से चलना शुरू करेंगे तो जहाँ से इसका एलिवेटेड पार्ट उठता है वहीं से इसका सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ और वो अब बढ़ करके यहाँ तक आ गया है कि परसा बाजार स्टेशन को पार करने वाला है। और वहीं परसा बाजार स्टेशन से उस तरफ में, यानी कि दोनों लॉन्चर एक साथ एक फ्रेम में आप देख सकते हैं, यहाँ पहला लॉन्चर इस तरफ में दिख रहा, दूसरा जो लॉन्चिंग का काम है वहाँ से शुरू होता जो आगे बढ़ गया परसा बाजार से ठीक आगे से। खासकर आप समझ लीजिए अगर आप गया से या जहानाबाद से आ रहे हैं तो NH 83 होते हुए सीधा पुनपुन के पास पहुँचेंगे और वहाँ से इस एलिवेटेड रोड को कनेक्ट करेगा यह कॉरिडोर और सीधा आपको यहाँ से लेकर के मीठापुर तक की यात्रा करवाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि लगभग 700 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अपने फुल स्पीड में है और सब कुछ अगर ठीक रहा तो अगले साल इस कॉरिडोर की सौगात बिहार के लोगों को मिलेगा और सीधा मीठापुर से लेकर के पुनपुन तक की यात्रा लोग 8 लेन के रोड पर कर पाएंगे। मीठापुर मोहली रोड का 3D प्लान का वीडियो हमने अलग से लगाया, अगर आप इस कॉरिडोर को समझना चाहते तो वीडियो सेक्शन में जाइए, उस वीडियो को सर्च करके आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये पुनपुन से लेकर के मीठापुर तक की कनेक्टिविटी देगा। और इस चिल्लाती गर्मी में बड़ा टफ होता है वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना, जहाँ देखिए लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, ऐसे में किसी अपडेट को रिकॉर्ड करना समझ लीजिए एक चुनौती ही है। उस चुनौती के साथ हम आपके लिए वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं, उसे शेयर करना ना भूलें और दोस्तों और रिश्तेदारों से थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कराइए चैनल, तो लगेगा कि अपना कारवां आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।